नमस्कार, मैं हूँ ऋतु सिंह और आज का मुद्दा है पहली चाल। बीजेपी ने 21 नाम जारी कर बड़ा दाव खेला है जिसमें रामविचार नेताम और विजय बघेल जैसे नाम भी शामिल है। पाटन सीट पर कका बनाम भतीजा का मुकाबला देखने को मिलेगा। 2018 से तक सभी नए नामों को उतार कर बीजेपी ने जोखिम लिया है, लेकिन ये जोखिम क्या 2023 का दंगल जिताएगा या बीजेपी को ही भारी पड़ेगा, आज हम इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले राजनीतिक मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। बीजेपी से नेता केएस चौहान जी जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता नितिन भंसाली जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। सबसे पहले केएस चौहान जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। 21 नामों की घोषणा आपने कर दी है, लेकिन सवाल यही है कि इन्हीं 21 सीटों पर नाम की घोषणा क्यों की गई है, क्योंकि ये वही सीटें हैं जहां बीजेपी अभी जीत हासिल नहीं कर चुकी है 2018 में। लेकिन इन 21 नामों के पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? क्या लगता है कि ये वो कमजोर सीटें जहां सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है? देखिए, ना ही तो ये कमजोर सीटें हैं और ना ही बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक क्लियर कट विजन है। ये भारतीय जनता पार्टी ने ये दर्शाया है कि हम किसी अन्य दल की के निर्णय के ऊपर भरोसे में डिपेंड नहीं है। हम अपनी रणनीति खुद करेंगे और अपनी रणनीति के हिसाब से ही चलेंगे, और जो हमें सही लगता है, जो विनिबिलिटी के लायक है, जो विनिंग कैंडिडेट है, उसी को टिकट दी जाएगी। अधिकतर ऋतु जी देख लीजिए, इसमें नए चेहरे हैं। अधिकतर ये भारतीय जनता पार्टी की रीति-नीति है कि वो सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी को नहीं, टीम को तवज्जो देती है। वो अपने जो मिशन है उसको तवज्जो देती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। और ये 21 की 21 सीटें ऐसी लोगों को दी गई हैं, ऐसे प्रत्याशियों को दी गई हैं जो विनिंग हैं, विनिबिलिटी रखते हैं, और निश्चित तौर पे वो विन होके आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की दूरगामी सोच है और इसके दूरगामी परिणाम बहुत जबरदस्त होंगे। ठीक है, लेकिन कांग्रेस इस दूरगामी सोच को कैसे देखती है ये भी जानना जरूरी है। नितिन जी, बीजेपी कह रही है कि ये बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की दूरगामी सोच है जिसका सकारात्मक नतीजा भी देखने को मिलेगा, लेकिन इस लिस्ट को क्या आप चुनौती के रूप में लेते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी की सूची के 21 प्रत्याशी, 21 बलि के बकरों को मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। ये सारे बलि के बकरे बने हैं बेचारे। अब वो विजय बघेल को बलि का बकरा पाटन में बना दिया। इधर से जो नए नाम ये कह रहे हैं कि नए प्रत्याशियों को हमने चेहरा घोषित किया है, तो ये सारे ये भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और इस सारे आरोपों में ये 15 साल जो लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में लिप्त रहे, उन्हीं को वापस रिपीट किया है, टिके हुए मोहरों को। मैं बता दूं, एक टिकट इन्होंने दी है रामविचार नेताम को। मैं बता दूं ऋतु, ये वही रामविचार नेताम है जो इंदिरा प्रिय दर्शनी बैंक घोटाले में, जो नार्को टेस्ट में सीडी में जिस व्यक्ति ने, आरोपी ने नाम लिया कि उसने 1 करोड़ रुपया रामविचार नेताम को घूस दी है, जिसकी जांच पुलिस के द्वारा जारी है। ये वही रामविचार नेताम है जिसके घर से नक्सलियों को चंदा दिए जाने की रसीदें मिली थी। तो ये इनकी छवि है। ये परिवारवाद पे बात करते हैं। खैरागढ़ से रमन सिंह के भांजे को टिकट दे दिया, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को ये सांसद की टिकट देते हैं, खुद पूर्व मुख्यमंत्री विधायक बनते हैं, तो बच्ची है, पत्नी और बेटी, उनको भी किसी सीट से कोई चुनाव लड़वा दे, विधानसभा, जिला पंचायत, पार्षद या कुछ भी, तो पूरा परिवार ही नेतागिरी में रहे। तो इस सूची से ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के पास प्रत्याशियों का अकाल है और बुलाकर टिकट दी गई है। मैंने कहा बलि के बकरों को शुभकामनाएं, और ये इतनी बड़ी बात है कि नरेंद्र भाई मोदी छत्तीसगढ़ में हार को भाप गए हैं। रायगढ़ आने वाले थे, आने का दौरा ही कैंसिल कर दिया डर के मारे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर आएंगे और बाद में चुनाव के नतीजे जो आएंगे उसमें भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। ये 21 जो खड़े हो रहे हैं, इन सबकी जमानत जब्त होगी तो वहां जाकर वापस आएंगे, और जब नतीजे आएंगे फिर सब बोलेंगे कि मोदी जी वहां गए रैली की और देखिए क्या स्थिति है। तो इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस अपने काम के दम पर जनता के बीच जाएगी और निश्चित तौर पर 75+ पर इस बार सरकार बनाएंगे। ठीक है,
नितिन जी, आपके जो आरोप हैं उनका जवाब भी लिया जाएगा। केएस चौहान जी लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले गंगेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। गंगेश जी, आपका भी स्वागत है बंसल न्यूज पर। और आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जो लिस्ट आज बीजेपी ने जारी की है, 21 सीटों को आज पहली लिस्ट में शामिल किया गया है। इन किसी भी सीटों पर बीजेपी ने 2018 में जीत दर्ज नहीं की है, सभी सीटों पर, इन सभी 21 सीटों पर बीजेपी ने हार दर्ज की। आप इस लिस्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, ये मुझे लगता है कि बहुत पहले समय से बीजेपी ने अपना पत्ता कर दिया है। इसमें केवल दो तीन कैंडिडेट ही पुराने लग रहे हैं, बाकी लगभग नए कैंडिडेट हैं। और उसमें से खास बात यह कि पाटन क्षेत्र से इन्होंने जिस कैंडिडेट घोषित किया, वो पूर्व में लगातार भूपेन्द्र बघेल जो अभी मुख्यमंत्री है कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं, रूलर वगैरह। भाजपा की तरफ से मुझे का ख्याल तो यही है कि उनको इनके कैंडिडेट को काफी लंबा और समय मिलेगा तैयारी करने का, 3 महीने 4 महीने का समय मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के सामने प्रत्येक होने के बाद कांग्रेस के पास एकदम विकल्प है कि इनके टक्कर में कौन सा नेता खड़ा किया जा सकता है, कौन सा कैंडिडेट खड़ा किया जा सकता है। कांग्रेस के पास एकदम विकल्प ऐसे वक्त मिल जा रहा है कि काफी वक्त कांग्रेस को तैयारी करने में मिल जाएगा इसके खिलाफ। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का फर्स्ट बेंच मजबूत हो गई है मुझे, और इससे तो और हो सकता है भाजपा ने कुछ और भी प्लान किया हो सकता है, अलग चेंज भी करे, ऐसा भी हो सकता है, नाम घोषित करने के बाद भी तो नाम बदले जा सकते हैं। ठीक है बिल्कुल, इसका भी हो जी, इससे जल्दी नाम खोलना भी बड़ी बात है। ठीक है, जल्दी घोषणा कर दी गई है नामों की, मतलब पहली चाल तो बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा में चल दी है। केस जी, जिस तरह से आप कह रहे थे कि कमजोर सीटें नहीं है, लेकिन हारी हुई सीटें तो हैं, कमजोर ना माने लेकिन हारी हुई सीटें तो आप मानेंगे, लेकिन क्या लगता है एक मौका आपने कांग्रेस को दे दिया, पहले नाम की घोषणा करके कांग्रेस के पास अब ये मौका है कि वो पहले आपके प्रत्याशी देखेंगे उसके बाद अपना प्रत्याशी उतारेंगे? रितु जी, ये हारने वाली और कमजोर टीम ही देखती है कि सामने वाला कैसे क्या रणनीति अपना रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके बाद हम करेंगे। अगर आपकी रणनीति स्पष्ट है, अगर आपके विजन क्लियर हैं, अगर आपने काम किया है, तो सामने वाला प्रत्याशी कोई भी हो हम जीतेंगे, ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन आपको इस चीज का कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि आपकी विफलताएं, आपकी जो आपने जो वादा खिलाफी की वो, और आपने जो भ्रष्टाचार किया वो साफ साफ दर्शाता है कि आप दूसरे की टीम कैसे खेल रही है उसके हिसाब से अपनी टीम को खिलाएंगे, तब हम कुछ लड़ सकते हैं। और लड़ना तो दूर, अभी लड़ने की स्थिति में भी नहीं है। जैसे हम प्रवक्ता बोल रहे थे कि बलि का पत्थर बना दिया, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पाटन की सीट में जो विजय बघेल जी हमारे आ रहे हैं, वो सांसद उन्होंने लगभग चार लाख वोटों से जीत दर्ज की है, जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सीट पे है, जो भारत में टॉप 10 के जो सर्वाधिक मतों से जीते हैं उनमें विजय बघेल जी का नाम है, जो भूपेश बघेल जी को पाटन में शिकस्त दे चुके हैं बहुत बुरी तरह। लेकिन देखिए, शिकस्त देते हैं लेकिन हारते भी तो हैं, और उसी हार का चाहे परिणाम कह लीजिए कि 2018 में उन्हें विधानसभा से टिकट नहीं दिया जाता। नहीं, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है रिपु जी, आपके उप मुख्यमंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री हैं टीएस सिंहदेव जी, उन्हीं का वक्तव्य है कि भारतीय जनता पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी से 25% का ही हाथ था हारने का, 50% जो हाथ था हमारे जीतने का वो था मैनोफेस्टो, हमारा घोषणा पत्र, जिनका हमने 12 कणिकाओं में हमने हाथ भी नहीं लगाया है, 12 में काम चल रहा है और 12 पूर्ण हो चुके हैं। ये उनका वक्तव्य है जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं। और ये मैं आपको बता दूं, दो ढाई साल पहले वो जो बयान दिया था उस समय के वादों में और आज के वादों में फर्क है भाई। ये जिसी पीटी कैसेट मत चलाओ, ये जिसी पीटी कैसेट मत चलाओ, जनता समझ रही है भाई। 36 में 34 वादे पूरे किए और आप लोगों के जो वादा खिलाफी के खिलाफ जो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उसका जवाब दे दीजिएगा। तथ्यों के साथ हमने बताया है कि आप लोगों ने 2003 से 2018 तक किस प्रकार का झूठ बोला इस प्रदेश की जनता से, किस प्रकार की वादा की है इस प्रदेश की जनता से। के लिए आपके पास कैंडिडेट नहीं है, अनिता बेड़िया के सामने हमने देवलाल ठाकुर जी को खड़ा कर दिया है, अब क्या अनिता बेड़िया जी को आप टिकट नहीं देंगे? अब आप हार गए, आप देख रहे थे
कि अनिला भेड़िया जी को वहां से हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। आप जब देवलाल ठाकुर जैसे बहुत ज्यादा सक्षम और विनयवती जैसे कैंडिडेट जब आए हैं तो अनिला भेड़िया जी को आभार हराना आपको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी सर्वे में जो मंत्री है जो हाल देवलाल ठाकुर हमारे बंसाली जी का जवाब भी सुन लेते हैं। जी नितिन जी अपनी बात जी ये बौखलाहट बता रही है। हमें क्या करना है भाई, 21-90 में जारी कर दे, हमको क्या करना है? हम तो हमारी तैयारियों पर काम कर रहे हैं, हम तो हमारी तैयारियों पर काम कर रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से आवेदन आएंगे, के पास जाएंगे, वहां से शॉर्टलिस्ट होकर प्रदेश में जाएंगे, स्क्रीनिंग कमेटी में जाएंगे। प्रोसेस होता है, आंतरिक सर्वे होते हैं, प्रोसेस होता है। हम हमारे प्रोसेस पर काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से लोकतांत्रिक तरीके से सभी को अवसर देती है। कांग्रेस पार्टी में एक एक सीट में कई उम्मीदवार भी होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपनी दावेदारी करने का अधिकार है। ये बार बार देवलाल ठाकुर और ये अनिला भेड़िया का नाम ले रहे थे, तो मैं बताऊं भाई, ये देवलाल ठाकुर हमारे ही पार्टी में था भैया, इसमें क्या कमियां हैं और किस प्रकार ये आपके पार्टी में गए हैं और कैसे चुनाव लड़ेंगे हमको पता है। बहुत अच्छे थे, आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। ओ भाई मैं थैंक यू कहता हूँ। आपने टिकट दी उसके लिए, बला दिया उसको भी बेचारे को, बलि का बकरा आपने। मैं बोल रहा हूँ, शायद वो टीवी देख रहे होंगे सारे 21 प्रत्याशी, तो ये भी आप मान के चलिए कि ये प्रयोग है। भाजपा ने फिर से अपने प्रयोगशाला में प्रयोग किया है। ये 21 लोगों को जो टिकट दिए, मैं दावा करता हूँ आचार संहिता लगते लगते इसमें बड़े बड़े संशोधन होंगे और ये प्रयोग भी जो है ठीक है। नितिन जी अब इस प्रयोग का देखिए क्या फायदा मिलेगा बीजेपी को, ये कुछ समय बाद पता चलेगा। आप दोनों को पास ही मैं लौटूंगी। गंगेश जी आपके पास आ रही हूँ, बात करेंगे अगर हम पाटन सीट की, क्योंकि पाटन से जिस तरह से भूपेश वर्सेज विजय बघेल देखा जा रहा है, 2008 के रिजल्ट की हम बात करें, 2013 के रिजल्ट की हम बात करें, लेकिन 2018 में विजय बघेल को टिकट नहीं दिया जाता। अब इस बार सांसद जब वो बन गए 2019 में, तो सांसद बनने के बाद उन्हें इस बार विधानसभा से टिकट दिया जा रहा है। आरोप अभी भी कांग्रेस यही लगा रही है कि क्या प्रत्याशियों की कमी है कि सांसदों को उतारा जा रहा है विधानसभा चुनाव में। विजय बघेल जी को ज्यादा निश्चित तौर पर आश्चर्यजनक है कि हमारे सांसद थे और इससे पहले जैसे जो गुस्सा भी की थी सांसद सांसद यहाँ पर टिकट मिल जाएगी पिछले चुनाव में जीते हुए। इसके अलावा इसके पूर्व के भी राज्यसभा सांसद रहे और अमित शाह ने काम सचिव गृह मंत्री भी रहे, उनको टिकट दी गई है। खासतौर पर पाटन की बात करें अगर, तो पाटन में विजय बघेल और भूपेन्द्र बघेल जी के बीच टक्कर रही है। भले पिछली बार उनको टिकट भी दिए गए हैं, लेकिन दूसरा वो पूर्व में कांग्रेस में भी रह चुके हैं और इसके अलावा वो अभी भाजपा की जो समिति बनी है एजेंडा तय करने वाली, उनका संकल्प पत्र तैयार करने वाली समिति, उसके भी अध्यक्ष मतलब उनकी अध्यक्षता में ही भाजपा अपने संकल्प पत्र तैयार करी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से भूपेन्द्र बघेल जो कोविड में इनको एक बड़े चेहरे के रूप में प्रस्तुत करने का इरादा है भाजपा का वेदाती के रूप से, मतलब धीरे धीरे तो वो अपने इंडिपेंडेंट घोषित भी कर रहे हैं। ये कहीं कि एक बड़े चेहरे उनको उतार रहे हैं और कहना चाहिए संकल्प पत्र समिति का अध्यक्ष बना दिए गए हैं उनका घोषित करना, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उनका नाम भी घोषित कर देना, सुबह सुबह मतलब टाई ठोकने वाली बात है, आमने सामने की लड़ाई करने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं बड़े चीज के सामने विजय बघेल को प्रस्तुत किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बिल्कुल गणेश जी, केएस जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए नितिन जी के जो बातें कही जा रही थी उनकी ओर से उसका जवाब तो दीजिएगा ही, लेकिन जिस तरह से अभी कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कि एक टेस्टिंग की गई है, ये टेस्टिंग है और वो दावा भी कर रहे हैं दीपक बैज कि कुछ ही दिन का समय देखिए और ये नाम वापस लिए जाएंगे, तो क्या आपको नहीं लगता इतना जल्दी लिस्ट जारी कर देना अंदरूनी कलह के लिए भी काफी समय बचा हुआ है? देखिए अंदरूनी कलह नहीं है इस वजह से ये जारी किया गया। जब तक अंदरूनी कला मतलब अंदरूनी कला है, अच्छा मतलब ठीक है नितिन जी, आपसे जानेंगे कि आखिर बीजेपी में अंदरूनी कला की वजह क्या है। पहले के शांत जी से जान लेते हैं कि है या नहीं। नहीं, जब डिक्लेयर हुआ है तो अंदरूनी कला कहाँ से आ जाएगी?
डिक्लेयर जब हुआ है तो अंदरूनी कला कहाँ से आ जाएगी, यही तो पूछने का बोल रहा हूँ कि अंदरूनी कला नहीं होगी उसको ठीक। मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने तब बोला कि अंदरूनी कला है, मैंने ये बोला कि अंदरूनी कला नहीं भाई, इसलिए तो हम धड़ल्ले से अपनी टिकटे धड़ल्ले से बल्ली का बकरा बना दिया, धड़ल्ले बल्ली का बकरा तो आप लोग बनेंगे। अब जब हमारे सांसदों के सामने, जब हमारे नए प्रत्याशियों के सामने, जब हमारे जनता के जो प्रिय नेता हैं, जो ग्राउंड लेवल में है, एक भी टीम टीम की बात कर रहे हो, कैप्टन कौन है भाई, टीम का कप्तान और उप कप्तान जो है उसको बता दो, विकेट कीपर कौन है, कौन है, बैटिंग कर रहे हो कि बॉलिंग कर रहे हो, ये बार बार टीम 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 की जो बात कर रहे हो, इसका कप्तान और उप कप्तान कौन है नाम बता दो। ऐसा तुम्हें भारतीयों की सूची जारी कर दी है, दूल्हा कौन है यही नहीं पता, और क्या, और दूल्हा कौन है ये आप डिसाइड करोगे कि, क्योंकि हमने तो अपना दूल्हा देख लिया है, हमने तो अपना दूल्हा पेश कर दिया है। दूसरी बात ये है कि एक सर्वे में ये आया था, कहाँ है मैं बता रहा हूँ जी, जल्दी से बात पूरी करिएगा, समय की थोड़ी कमी है तो जवाब भी लेंगे। रितु जी 66% लोगों ने एक सर्वे में बोला कि अब हम घोषणा पत्र या सिर्फ टीम को देख के या दल को देख के हम लोग वोट नहीं देंगे, अब हम जनप्रतिनिधि कौन हमारा आता है, विधायक का कौन चेहरा रहता है, उसको देख के हम वोट देंगे, क्योंकि हम पिछली बार धोखा खा चुके हैं। और इसका नतीजा ये है कि 37 विधायक इनकी ही, कांग्रेस की जो टीम है उसमें 37 विधायक हार रहे हैं, इनकी ही इंटरनल सर्वे हुआ है उसमें से 37 विधायक हार रहे हैं, 6 ठीक है, जवाब जवाब करो तो ये इंटरनल सर्वे नहीं पता है, इंटरनल सर्वे इनके पास आ जाता है, मंत्री हार रहे हैं। ठीक है नितिन जी, जवाब दीजिए, साथ ही बताइए, देखिए अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहे हैं, नाम भी दिल्ली से जारी किए गए, ऐसे में कांग्रेस शाह के गणित का तोड़ कैसे निकालेगी, किसी नाम दिल्ली से जारी हुए कांग्रेस कोई गणित ही नहीं है। देखिए रणनीति बनती है, रण में ही नहीं है क्या नीति बनेगी, और मैंने तो जैसा शुरू में कहा भाई सांसद को टिकट दे रहे हो, आप 9 के 9 सांसदों को टिकट दे दो, मजा आ जाएगा चुनाव लड़ने में, क्योंकि जब जनता सवाल पूछेगी कि उन्होंने इनको चुनकर क्यों भेजा, आपने पाटन से जिस बलि का बकरा बनाया विजय बगैर, हमारा काम सब तरफ से 21 सीटों में हमारा काम आसान कर दिया भाई, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि आचार संहिता लगते लगते नामों में परिवर्तन होगा, भारतीय जनता होगा और होगा करती है, रिएक्शन में नहीं, रिएक्शन तो आप लोग करवा रहे हैं, आप लोग रिएक्शन के कप्तान और उप कप्तान गोती हो जाए, ये हो जाए, ये बताओ उसके ये टीम 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 की बात कर रहे हो, आपकी टीम का कप्तान समय की थोड़ी कमी है, कप्तान है गंगेश जी के पास मिल जा रही है, आप पूछिए ठीक है, के एस जी गंगेश जी से भी जान लेते हैं, ठीक है होगा कि नहीं होगा, ठीक है के एस जी काफी समय दिया गया आपको। गंगेश जी जिस तरह से देखिए ये लिस्ट जारी की गई है, बीजेपी ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक की, कैटेगराइज किया गया ए बी और सी और डी में, इसमें उन सीटों को शामिल किया गया जहां अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जी कैटेगरी में सीटें शामिल की गई और उन्हीं के नामों की घोषणा भी की गई है, आप इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं, क्या लगता है चुनौती भरा कितना होगा ये कांग्रेस के लिए? देखिए निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि भाजपा ने इस तरह से दांव खेला है और अभी किसी को बीच मामले नहीं हुआ है, तो हो सकता है अगर अभी काफी समय भी बचा हुआ है, हो सकता है इसमें कोई टेस्टी की बात आ रही है, निश्चित तौर पर देखिए लगातार यहाँ पे अमित शाह जी आ रहे हैं छत्तीसगढ़, 7-8 दौरान पहुंच चुका है, और जब से जो लगातार दौरा तब से ये बात दिमाग लोग में है कि मतलब भाजपा ये चाहे से माने जाते हैं और कुछ नया गाँव वो लेके आ रहे हैं, ये तो उनको पता है गाँव फल जाए तो उन्होंने पक्का खोला है, और ये पक्का जरूरी नहीं कि हो सकता है इसके पीछे डी प्लान भी उनके पास, तो ये इस तौर पर भी देखा जा रहा है कि इसको हो सकता है डी प्लान हो, अभी इसमें से कुछ लोगों को चेंज भी किया जा सके, या हो सकता है यही कैंडिडेट रहे और वो ये बाकी लोग मतलब कांग्रेस के भी कैंडिडेट चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, दोनों बातें बिल्कुल कई बातें इससे निकलकर सामने आती है। गंगेश जी फिलहाल आप तीनों का ही शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो 21 प्रत्याशियों की घोषणा तो बीजेपी ने कर दी है,
और साथ ही अब इन प्रत्याशियों की घोषणा के साथ इसका फायदा किसे मिलेगा? क्या कांग्रेस को मौका मिलेगा कि इन प्रत्याशियों को देखकर वो अपने प्रत्याशी का चयन करे, या फिर बीजेपी के लिए ये एक विपरीत रिजल्ट के रूप में सामने आएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।